के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें विक्रमादित्य सिंह का मंत्री पद से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है दे दिया है और इस्तीफे के बाद सुक्खू सरकार की वजह भी गिनाई है। तो देखिए अब कांग्रेस सरकार को एक बड़ा झटका लग रहा है जिस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद उन्होंने सरकार की वजह भी गिनाई है। किस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है ये भी तमाम जानकारी उनकी ओर से दी गई है। तो हिमाचल सरकार पर इन दिनों जो है संकट के बादल छाए हुए हैं। मंत्री विक्रमादित्य का पद से इस्तीफा दे दिया है तो राजनीतिक हलचल जो है हिमाचल में आपको बता दें तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य ने नाम लिए बिना ही सीएम सुखविंदर सुक्खू पर अपमानित करने का आरोप भी लगा दिया है। तो बड़ी खबर है हिमाचल से और मंत्री पद से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकेंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते, मैं ये कह सकता हूँ उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते, लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे।